गाइस आज हम बात करने वाले हैं 10 फॉर्मल ड्रेसिंग टिप्स फॉर मेंस। फॉर्मल ड्रेसिंग तो आज के टाइम पे बहुत सारे बंदे करते हैं, बट उसको परफेक्ट वे में कैसे वेयर करनी है वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो फाइनली 10 टिप्स मैं ना हर चीज़ में कवर कर दूंगा, जिससे आपकी जो फॉर्मल ड्रेसिंग है वो काफ़ी फॉल लगने वाली है और आप दिखने में काफ़ी हॉट एंड सेक्सी लगने वाले हो। तो वीडियो को लास्ट देखते रहना, तो हम जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, फिटिंग। अब यहाँ पर जो फॉर्मल ड्रेसिंग होती है ना, उसका मतलब ही मतलब एक्चुअली से होता है फिटिंग। और जब तक आप फॉर्मल ड्रेसिंग फिटिंग की नहीं करते ना, तब तक यार कोई मतलब ही नहीं है फॉर्मल ड्रेसिंग का। तो यहाँ पर आप कैजुअल में बैगी वगैरह कर सकते हो, लेकिन कभी भी लूज या फिर जो बैगी क्लॉथिंग है वो फॉर्मल में ट्राई मत करना। आपकी जो फॉर्मल ड्रेसिंग है ना, वो हमेशा आपकी बॉडी से फिट होनी चाहिए, और आपकी बॉडी से मतलब जब वो फिट होगी तो आप उसमें दिखने में काफी हॉट एंड सेक्सी लगने वाले हो। नंबर सेकंड, वॉच। भाई मत पहनो स्पोर्ट्स की वॉच। आई नो बहुत सारे बंदे हैं वो फॉर्मल आउटफिट में स्पोर्ट्स की वॉच वगैरह पहन लेते हैं, बड़ी बड़ी सी ऐसी घड़ी की जगह घड़ा पहन लेते हैं, बड़ी बड़ी घड़ियां पहन लेते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल मत करो। अगर आपको फॉर्मल आउटफिट को फॉर्मल दिखाना है ना, तो उसके लिए यहाँ पर आप जस्ट लेदर की वॉच पहन सकते हो या फिर आप चैन की वॉच पहन सकते हो। इससे आपको जो फॉर्मल आउटफिट है ना वो फॉर्मल की तरह ही लगेगा और आप दिखने में काफी मैच्योर लगोगे, और इससे आपके फॉर्मल आउटफिट में 4 चांद लग जाएंगे। ये बड़ी बड़ी वॉचेस अवॉइड करो, लेदर या फिर जो चैन की वॉच हो पहन सकते हो, फॉर्मल आउटफिट में तबाही लगने वाले हो। नंबर थर्ड, मैच बेल्ट एंड शूज। फॉर्मल ड्रेसिंग पहन के ये गलती कभी भी मत करना कि मतलब बेल्ट किसी और कलर की और शूज किसी और कलर के हैं। यहाँ पर ऐसी गलती आपको ना करके जैसे यहाँ पर करना क्या है कि जिस कलर की आपकी बेल्ट होगी ना, उसी कलर के आपके शूज भी होने चाहिए। दोनों आपको मैचिंग के रखना, चाहे वो आपकी आउटफिट कोई सा भी हो, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों चीजें ना, बेल्ट और शूज, वो दोनों मैचिंग का करना है। ब्लैक बेल्ट आपके जो शूज है वो ब्लैक होनी चाहिए, और अगर आपकी जो शूज है वो ब्राउन है तो आपकी बेल्ट भी ब्राउन होनी चाहिए। दैट्स इट। नंबर फोर्थ, नॉर्मल एसेसरीज। ज्यादा एसेसरीज वगैरह सिर्फ आप कैजुअल वगैरह पे कर सकते हो, लेकिन फॉर्मल पे आपको कम और सिंपल सी एसेसरीज रखनी होती है, सोबर सी रख सकते हो। जैसे यहाँ पर आप एक नॉर्मल वॉच पहन सकते हो, एक नॉर्मल रिंग पहन सकते हो, एक नॉर्मल सा ब्रेसलेट या फिर कड़ा पहन सकते हो, और एक सनग्लास वगैरह वियर कर सकते हो, या फिर आप एक नेक चैन भी वियर कर सकते हो। दैट्स ऑल। नंबर फिफ्थ, शर्ट कलर। बहुत जो फंकी जो शर्ट्स के कलर होते हैं ना, उसको अवॉइड करना, बहुत अजीब लगने वाले फॉर्मल में। यहाँ पर आप जो नॉर्मल और अच्छे कलर होते हैं वो आप ट्राई कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप लाइट कलर्स में ट्राई कर सकते हो, जैसे लाइट पिंक होता है, लाइट ब्लू होता है, व्हाइट ट्राई कर सकते हो। व्हाइट तो हर बंदे के पास होनी चाहिए अगर आप फॉर्मल ड्रेसिंग करते हो तो, या फिर जितने भी लाइट कलर्स होते हैं ना वो आप फॉर्मल में ट्राई कर सकते हो। शर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फॉल लगने वाले हो। और यहाँ पर आप डार्क में भी ट्राई करना चाहो तो डार्क में मरून ले सकते हो या फिर पर्पल वाला ले सकते हो। इसमें आप दिखने में बहुत ज्यादा हॉट एंड सेक्सी लगने वाले हो और हर किसी को आप दीवाना कर दोगे, और फॉर्मल ड्रेसिंग में तो यार क्या बताऊं, कहर ठा दोगे। नंबर सिक्स्थ, पैंट लेंथ एंड कलर। बहुत सारे बंदों को कन्फ्यूजन होती है, भाई पैंट की लेंथ कितनी रखनी है हमको फॉर्मल में और कलर कौन कौन से लेने हैं। सबसे पहले हम बात करें लेंथ की, तो यहाँ पर आपको जो लेंथ है ना पैंट की, वो आपके एंकल पे खत्म हो जानी चाहिए। अगर वो एंकल से नीचे लटक रही होगी तो इससे आप अंकल की तरह दिखाई दोगे, या फिर अगर वो एंकल के ऊपर होगी तो इससे आप दिखने वाले एक छपरी। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, यहाँ पर एंकल पे खत्म कर दो। दैट्स इट। कलर की बात करें तो यहाँ पर आप कलर में बाय कर सकते हो, ऑलिव ग्रीन, नेवी ब्लू, ब्लैक। ब्लैक हर बंदे के पास होनी चाहिए, क्योंकि ब्लैक के ऊपर ना कोई भी शर्ट बहुत अच्छी लगने वाली है। और हाँ, चारकोल ग्रे भी ऐड कर सकते हो, बहुत अच्छा लगने वाले हो। नंबर सेवेंथ, टक योर शर्ट इन पैंट। बहुत सारे जो बंदे होते हैं ना, वो कूल लगने के लिए ना जैसे अपने शर्ट को ना बाहर निकाल देते हैं, फॉर्मल ड्रेसिंग में बाहर निकाल के चलते हैं, सोचते हैं कि मतलब मैं बहुत कूल हूँ। भाई ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, फॉर्मल ड्रेसिंग को फॉर्मल तक ही रहने दो, कैजुअल में मत लेके आओ। यहाँ पर आपको जो अपनी जो शर्ट है ना वो हमेशा इन करके पहननी है। अब यहाँ बहुत सारे बंदों की दिक्कत होती है, भाई बार बार वो बाहर निकल जाते हैं तो अब क्या करें। तो उसके लिए आप यहाँ पर शर्ट टकर बाय कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। इससे आपकी जो शर्ट है वो कभी बाहर नहीं निकलने वाली और आपकी फॉर्मल ड्रेसिंग एकदम परफेक्ट लगने वाली है। नंबर एट्थ, शूज। इसमें बहुत सारे बंदे गलती करते हैं कि स्पोर्ट्स के शूज पहन लेते हैं फॉर्मल ड्रेसिंग पे। भाई कौन से जमाने में जीरो, ऐसी गलती बिल्कुल मत करो। स्पोर्ट्स के शूज ना वियर करके जस्ट यहाँ पर आपको फॉर्मल शूज वियर करने हैं, या फिर आप लोफर्स वगैरह वियर कर सकते हो। आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंड पे चल रहे हैं, और ऑक्सफोर्ड फॉर्मल वगैरह जो शूज होते हैं ना वो वियर कर सकते हो किसी भी फॉर्मल ड्रेस पे, बहुत ज्यादा फॉल लगने वाले हो। नाइन्थ, सॉक्स। सॉक्स में बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है लोगों को कि यार हम सॉक्स कौन सी वियर करें, मतलब पूरा आउटफिट पहन लिया, सॉक्स का पता ही नहीं हमको कैसी वियर करनी है। तो डोंट वरी ब्रो, मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। सॉक्स में जैसे यहाँ पर आपको करना क्या है कि वो आपके पैंट से आपको मैच करके पहननी है। अगर आपने ब्लैक पैंट पहन रखी है तो आपको ब्लैक सॉक्स पहननी है, अगर आपने ग्रे पैंट रखी है तो आपको ग्रे सॉक्स पहननी है, ब्लू पैंट पहन रखी है तो आपको ब्लू सॉक्स वगैरह वियर करनी है। और यहाँ पर आप क्वेश्चन है कि भाई अगर लाइट कलर पहनते जैसे पिंक या फिर येलो वगैरह पहनते तो उसमें हम सॉक्स कौन सी वियर करें, तो उस पर आप ब्लैक कलर की सॉक्स वियर कर सकते हो, बहुत अच्छे लगने वाले हो। अब यहाँ पर हमारे पास जो नंबर 10th है ना, वो है बोनस टिप्स जो हमारे भाइयों के लिए है। तो यहाँ पर आपको जस्ट करना क्या है कि फॉर्मल ड्रेसिंग वगैरह आप पहन लेते हो तो जस्ट आपको करना क्या है कि अपने जो शर्ट की स्लीव्स है ना उसको फोल्ड करो, और अपना जो खूबसूरत एरिया है ना, मतलब जो आगे फोर आर्म्स है वो विजिबल करो। इससे आपकी जो फॉर्मल ड्रेसिंग है वो बहुत ज्यादा फॉल लगती है, और आप इसमें दिखने में बहुत सेक्सी लगते हो। और ट्रस्ट मी गाइज, ये जो चीज़ है ना, ये जो आपके फोर आर्म्स वगैरह होते हैं लड़कियों को काफी पसंद आते हैं, अगर आप फॉर्मल ड्रेसिंग वगैरह पहन के शर्ट के स्लीव्स फोल्ड करके अपने फोर आर्म्स दिखाते हो। तो आई होप कि आपको जितनी फॉर्मल ड्रेसिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है सारी खत्म हो गई होगी। बट यहाँ पर अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रह गई है तो फील फ्री टू कमेंट डाउन। जो भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा।
और दैट्स इट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और अभी चैनल पर नए हो उसको पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर अभी चैनल सब्सक्राइब करना, साथ में बेल का आइकन है उस पर टैप करना, और इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर बहुत सारी बकचोदी वगैरह करते रहते हैं और मतलब फालतू स्टोरी वगैरह घेरता रहता हूँ, मज़ा आता है। तो चलो जल्दी जल्दी वहाँ पीछा करते हुए आ जाओ, यहाँ कहीं लिंक शो हो रही होगी। बस हम मिले उस एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। क्या मतलब फॉर्मल ड्रेसिंग टिप्स दे रहा कैजुअल पहन के।